अदम एतमाद से कोई परेशानी नहीं और सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा, इमरान खान साहब जलसों में बड़े मुतमईन नजर आ रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन हर हाल में नाकाम होगी, लेकिन हसन साहब एक सवाल जहन में आता है कि आपके जो इत्तेहादी हैं उन्होंने अब तक क्यों नहीं खुलकर ऐलान किया कि वो इस तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत का साथ देंगे और वो इमरान खान साहब को नहीं हटाना चाहते हैं, या अगर मैं आम अल्फाज में कहूँगी जो इत्तेहादी हैं वो सिचुएशन को बड़ा कैश करवा रहे हैं, अंदर ही अंदर बड़ा महसूस हो रहे हैं कि अच्छा हुकूमत वालों को भी हमारी ज़रूरत है, अपोजिशन को भी हमारी ज़रूरत है, हम इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने अहम हैं, इन्जॉय कर रहे हैं वो। देखें डॉक्टर साहब, बात यह है कि सियासत जो है ना वो किसी टेक्स्ट बुक का नाम नहीं है, सियासत जो है एक प्रैक्टिकल चीज़ है और जाहिर है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो सियासत करने ही सियासत के मैदान में उतरती हैं। अगर उन लोगों ने उनको रीच आउट किया है, अपोजिशन के लोग उनके पास गए हैं, उनके आगे माथा टेका है, उनका स्टैचर और बुलंद हुआ है, क्योंकि जाहिर है कि आपको पता है कि मुस्लिम आवाज़ के लोग उनके बारे में काफ के बारे में क्या ख्याल रखते थे, और आज इमरान खान साहब की दुश्मनी ने उनको उनके घर ले जाने पर मजबूर कर दिया और उन लोगों ने जाहिर है कि उनसे मुलाकातें की हैं। लेकिन मैं ये बात वाजे कर दूं कि तमाम मीटिंग्स अपनी जगह, मुशावरत अपनी जगह, इंशाल्लाह हमारे इत्तेहादी हमारे साथ से नहीं हिलेंगे और बात आने पर ऐलान भी करेंगे, ओपनली हमें सपोर्ट भी करेंगे और इंशाल्लाह हमारे साथ खड़े रहेंगे। बाकी यह है कि मेल मुलाकात करना, मीटिंग करना, बातचीत करना हर एक का हक है, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई इतराज़ हो सकता। ठीक है। अच्छा जी हसन साहब, अदम एतमाद की तहरीक क्या पेश होने के बाद सिर्फ पंजाब के वज़ीर आला के लिए जो जोड़ थोड़ा क्या जारी है, आपको क्या लगता है कि आपके जो इत्तेहादी हैं और आपके कुछ अराकीन जो आपके अपने अराकीन हैं वो उस्मान बुज़दार साहब से खुश नहीं थे, या ये सब लोग वही कहेंगे मौके का फ़ायदा उठा के ब्लैकमेल कर रहे हैं? देखिए, पंजाब के वज़ीर आला की टेंशन पूरे पाकिस्तान को है। अब इस वक्त जो है जो हमारा सियासी मुकाबला है, जो सियासी दंगल है, वो तो वफाकी हुकूमत के लेवल पर है, वहीं पर तहरीक अदम एतमाद आई हुई है। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, उस दिन मैं भी यही बात सोच रही थी कि इमरान खान साहब से ज्यादा जो अहम किरदार बने हुए इस टाइम पे उस्मान बुज़दार साहब बने हुए। वैसे बिल्कुल है, देखिए पंजाब जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और बहुत से लोग जाहिर है कि ख्वाहिशमंद भी हैं जिनका ख्याल था कि वो इस अहदे के लिए कंटेस्ट कर सकते थे, इस जगह आ सकते थे, तो जाहिर है इस तरह होता है लेकिन सियासत में होता है। लेकिन इस वक्त हमारे लिए जो सियासी दंगल अहम है वो वफाकी हुकूमत का है और पंजाब के वज़ीर आला जो है वो उस्मान बुज़दार हैं और तब तक वही वज़ीर आला रहेंगे जब तक के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कॉन्फिडेंस उन पर है, और अभी तक तो उनका कॉन्फिडेंस है इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं। और ये बात कुछ लोगों की आंख में खटक रही है, लेकिन खटकती रहे, पिछले 3.5 साल से खटक रही है और हुकूमत पंजाब जो है वो अपना काम कर रही है और इंशाल्लाह इसी तरह जोरों शोर से करती रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।